चलो इसका उत्तर दे देते हैं। तो प्रश्न ये है कि भक्त जो है वो भगवान के दर्शन के लिए कितने पापड़ बेलते हैं, कितना प्रयास करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, और लेकिन भगवान के दर्शन फिर भी कितने कठिन होते हैं भगवान के दर्शन। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं मुचकुंद जो है, मुचकुंद के पास तो खुद ही भगवान चले गए मुचकुंद को दर्शन देने के लिए, उसको जगा के खुद रण छोड़ के लाए, रण छोड़ के भाग गए भगवान। क्यों भाग गए? मुचकुंद का उद्धार करने के लिए, मुचकुंद पर दया दिखाने के लिए। तो आखिर मुचकुंद ने ऐसा क्या कर दिया था कि भगवान ने ऐसा किया? ये दो बातें आपको बोलूँगा, पहली बात जो आपने पूछी नहीं थी वो आपको बोलूँगा, फिर इसका प्रश्न का उत्तर दूंगा। जो भक्त हैं, जो आपने कहा भगवान का दर्शन करने के लिए अनेक पापड़ बेलते हैं, जो अच्छे भक्त हैं वो कभी भगवान का दर्शन करने की अभिलाषा नहीं करते, कभी भगवान का दर्शन करने के बारे में नहीं सोचेंगे। एक जो भक्त है उसको अवकाश, उसको समय नहीं मिलेगा कभी, उसको अवसर ही नहीं मिलता भगवान का दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में हमेशा अनुरक्त रहता है, भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहेगा। हमारे आचार्य भी बोल रहे हैं कि आप भगवान का दर्शन करने का प्रयास मत करो, आप ऐसे कार्य करो कि स्वयं भगवान आपका दर्शन करने के लिए, आपको देखने के लिए ललायित हो जाए। ऐसी सर्विस करो भगवान बोले अरे भाई इसको तो मिलने जाना पड़ेगा, इसको मिले बिना भाई अब गुजारा नहीं है, अब रुक नहीं सकता इसको मिले बिना, ऐसे कार्य करने पड़ेंगे। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि मुचकुंद को आखिर मुचकुंद ने ऐसा क्या किया था कि मुचकुंद ने मुचकुंद को दर्शन देने के लिए भगवान ही खुद चले गए? तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर शिवजी दे रहे हैं माता सती को, और शिवजी बोल रहे हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, कि सारी आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना परम है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ आराधना जो है वो भक्तों की आराधना है। जो विष्णु भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना, वो भगवान विष्णु की आराधना करने से भी श्रेष्ठ है। क्यों? भगवान विष्णु की आराधना करेंगे तो भगवान विष्णु के दर्शन हो जाएंगे, चलो मान लेते हैं, लेकिन अगर भक्तों की आराधना करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान आ जाएंगे आपका दर्शन करने के लिए, भगवान स्वयं आ जाएंगे। आप जो मुचकुंद है, मुचकुंद ने जो देवी देवता हैं उनकी सहायता की थी असुरों के विरुद्ध युद्ध करने के अंदर। असुरों से युद्ध किया, उन्होंने खूब भयंकर युद्ध किया, देवताओं की सहायता की, और उस सहायता से, उस देवी देवताओं की सहायता करके उन्होंने भगवान को संतुष्ट कर दिया, और भगवान जो हैं उनको दर्शन देने के लिए ललायित हो गए। आप उदाहरण देखिए, आप उदाहरण देखिए, जो भगवान के दर्शन के लिए ललायित नहीं रहता, हृदय में भावना रहती है, विरह की भावना रहेगी, भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए कदम नहीं बढ़ाएगा, सेवा की तरफ ध्यान देगा, भक्तों के संग की ओर ध्यान देगा, तब तो बात जाके बनती है। हरिदास ठाकुर कभी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गए, मैं यवन हूँ, मैं नीच हूँ, नहीं गए, भगवान के भजन में लगे गए, लगे रहे, नामाचार्य कहलाए, और भगवान जगन्नाथ स्वयं हर रोज हरिदास ठाकुर को दर्शन देने आते थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, स्वयं आ रहे हैं और उनको ले प्रसाद भी लेके आ रहे हैं, अपने हाथों में उनका शरीर लेके भगवान नृत्य कर रहे हैं, अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। हरिदास ठाकुर कभी ये सोच नहीं रहे थे कि मैं
जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जाऊंगा, नहीं सोचा उन्होंने ऐसा। प्रचार में लगे रहे, हरि नाम की सेवा में लगे रहे। सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पूरी गए, कभी उनका दर्शन करने जो है वो ये नहीं सोचते थे कि मैं दर्शन करने आऊँगा। पूरी के मंदिर के आगे से भी नहीं निकलते थे, सिंह द्वार के आगे से तक निकल के नहीं जाते थे। सनातन गोस्वामी पीछे से जाते थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला आप आओ प्रसाद ग्रहण करो, पीछे से गए, समुद्र के रास्ते से पैरों में छाले पड़ गए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला पैरों में छाले कैसे पड़ गए भाई तुम्हारे, मैं समुद्र के रास्ते आया। अरे भाई उस रास्ते से क्यों आए, तो बालू से तुम्हारे पैर जल गए सारे, तुम्हें तो सिंह द्वार से आना चाहिए था। कि मैं बहुत पतित हूँ, मैं सिंह द्वार से नहीं आ सकता था, मैं भक्तों की सेवा तो कर नहीं रहा, मैं उनकी सेवा में व्यवधान ना खड़ा कर दूँ, मेरी परछाई भी अगर जगन्नाथ जी के सेवकों के ऊपर पड़ गई तो दूषित हो जाएंगे। भक्तों की सेवा के बारे में सोच रहे हैं। महाराज प्रताप रुद्र झाड़ू लेकर चैतन्य महाप्रभु के, सब भक्तों ने बोल दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोल दिया, रामानंद राय ने बोल दिया, सबने बोल दिया कि प्लीज़ आप राजा को दर्शन दे दो, नहीं दूंगा, अगर दोबारा बोला छोड़ के चला जाऊंगा। और जब प्रताप रुद्र ने, राजा प्रताप रुद्र ने जब अपने हाथों में झाड़ू लिया और वैष्णव के चरणों का ध्यान किया कि चैतन्य महाप्रभु के रथ, जगन्नाथ जी के रथ के साथ में जब इतने लाखों करोड़ों वैष्णव नृत्य कीर्तन करते हुए चलेंगे, उनके पैरों में कोई कंकर, कोई तिनका उनके पैरों में नहीं चुभ जाए, जब उनके पैरों की, उनके चरणों की, वैष्णवों के जब उन्होंने सेवा का ध्यान किया और हाथों से झाड़ू लगाकर रास्ते को साफ किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिए, उनका आलिंगन किया, चरण सेवा करने का अवसर दे दिया। ये कारण होता है, ये कारण होता है कैसे भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। ये सही तरीका है, ये सही प्रक्रिया है, ये सही प्रोसेस है कि कैसे हमें कैसे भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। मुचकुंद ने ऐसा किया इसलिए उसको ये लाभ प्राप्त हुआ। जितने भी भक्तों ने इस विधि का पालन किया उनका यश भी बढ़ा, यश भी बढ़ा उनका, और भगवान के चरणों के दर्शन भी उनको प्राप्त हुए। अगर आप भगवान ही की सेवा में लगे हुए हो फिर तो कुछ भी कर सकते हो, फिर तो जा सकते हो, लेकिन अगर कोई सेवा नहीं है और फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो सेवा 10 मिनट बाद हो सकती है नहीं हो सकती, आपको ये भी देखना पड़ेगा। अगर वो सेवा 10 मिनट के बाद हो सकती है तो रुक जाओ, आरती में भाग लो। आरती में भाग लेना भगवान की सेवा है, वो भी भगवान की सेवा है ना, कि आप आरती में भगवान का यशोगान हो रहा है तो उसके अंदर हम भाग ले रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई सर्विस है तो फिर आप आरती को छोड़ के जा सकते हो, भागवतम क्लास को छोड़ के जा सकते हो। अगर सेवा है तो सेवा के कोई रुकावट नहीं आ सकती उसके अंदर, सेवा के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आरती चल रही है, हम किसी भौतिक काम से जा रहे हैं, रास्ते में हमने देख लिया वहाँ पे देर हो रही है, तो क्या करें, तो आपको रुकना पड़ेगा, आपको आरती में भाग लेना पड़ेगा। आपको उस काम की सफलता असफलता तो भगवान के हाथ में ही है, और अगर आप आरती में भाग लोगे आपका कभी नुकसान नहीं होगा, आपको हमेशा लाभ मिलेगा। जैसे याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नी है, वो छोड़ के चली गई, उनको यज्ञ चल रहा है, हर चीज़ हो रही है, चली गई, भगवान का बुलावा आया, और हालांकि उसको दे सकती थी मधुमंगल और दूसरे बाल ग्वालों को, वो तो आए थे कि हम ही ले जाएंगे, उन्होंने कहा पीछे हटो भाई हम लेके जाएंगे, वो खुद ही लेके चली गई वो। और जब लेके चली गई और भगवान ने स्वीकार कर लिया, भगवान ने कहा वापस जाओ, उन्होंने बोला नहीं वापस कैसे जाएं, हम तो उनको छोड़ के आई हैं, उनकी अवहेलना करके अब वो तो हमें बहुत गाली गलोच करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कुछ नहीं होगा आप जाओ,
और जब वापस गए तो उनकी जो आदर है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, और कई गुना बढ़ गई उनके पतियों की दृष्टि में। तो अगर आप किसी भौतिक काम से जा रहे हो, बीच में आरती दिख गई, तो भाई अब रुक जाओ, आरती में भाग लो, आरती अटेंड करके फिर आप आगे जाओ, आपका काम भी सफल होगा, उसमें कोई शंका नहीं है। अगर वो काम असफल होगा तो ये सोच लो कि ये भगवान की बड़ी दया है कि असफल हो गया, उससे भी आपको बड़ा लाभ होगा। आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं मकान बनवा रहा था अपना, तो वो छत डलनी थी, लेंटर डलना था, तो सुबह से ही सारे सामान की तैयारियाँ चल रही थी। तो अचानक मुझे फ़ोन आया कि भाई आज नहीं डलेगा, आज वो कुछ समस्या आ गई है, आज नहीं डलेगा, कल डलेगा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार सारे तैयारियाँ हो रखी हैं, हर चीज़ है, डल जाता तो डल जाता, लेकिन चलो, मैंने कहा नहीं डल रहा, कल डल जाएगा, परसों डल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम में लग गया, अपनी सेवा में लग गया मैं, और दोपहर को बड़ी तेज़ आंधी आई। उस समय मैंने सोचा, मैंने कहा अगर ये लेंटर डल रहा होता तो कितनी समस्या आती सामने, कई पेड़ धराशायी हो गए, इतनी तेज़ आंधी आई थी। तो अगर वहाँ पे लेंटर डल रहा होता, काम चल रहा होता, तो बहुत प्रॉब्लम आती। तो कई बार असफलता, असफल हो जाए, कोई काम नहीं बना, उसके अंदर भी भगवान की योजना होती है, हमें स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके बात बनती है। और तब अगर आपने ये स्वीकार करना शुरू कर दिया, फिर देखना आपका मन कितना हमेशा संतुष्ट रहेगा, शांत रहेगा आपका, ये बात होती है। ठीक है, आरती छोड़ के मत जाओ, आरती छोड़ के मत जाओ, भगवान की प्रसन्नता के लिए उस आरती में भाग लो, बहुत अच्छा रहेगा।